हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी साहब हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। सर, पहला सवाल, क्या आपको इल्म था जो कुछ महाराष्ट्र के भीतर रातों रात हो गया? देखिए, नरेंद्र मोदी हैं तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो सकता है, संविधान को ताक पर रखा जा सकता है, रात के अंधेरे में अचानक राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है, सूरज की पहली किरण के साथ बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, हर बात मुमकिन है। लेकिन सर, एनसीपी के आपके ही साथी उनके पास चले गए, अजीत पवार आपके साथी हैं, नवाब मलिक का ये बयान आता है, वो कहते हैं कि दस्तखत हमने किए थे, फायदा उन्होंने उठा लिया, कहाँ चूक हो गए सर? देखिए, एक तरफ तो मैं कहूँगा कि शरद पवार जी का कहना है, वो इसमें शामिल नहीं है, पार्टी दो हिस्सों में टूटी है, लेकिन अगर उन दस्तखत का गलत इस्तेमाल है तो अभी वक्त है, अपने एमएलए से फौरन गवर्नर को लिखवा के दीजिए, अपने एमएलए के सिग्नेचर कराइए कि ये झूठा है, गलत है, हमने साथ नहीं दिया है, इसमें कोई देर नहीं हुई है, उसे लिख के दे सकते हैं। सर, एक जगह तो देर हुई है, लगातार मैराथन बैठक दिल्ली में मुंबई में चल रही थी, इसका फायदा आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, अजीत पवार को उन्होंने मैनेज कर लिया? देखिए, सत्ता इस तरह हासिल नहीं की जाती है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, मणिपुर में क्या किया है, मेघालय में क्या किया है, गोवा में क्या किया है, हरियाणा में क्या किया है, दुष्यंत के पिता अगले दिन जेल से बाहर आ गए। सत्ता का नाजायज इस्तेमाल, धमकाना, डराना, पैसे का इस्तेमाल करना, ये सब कुछ।